हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल हेल्थ केयर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर शीघ्र पतन की प्रॉब्लम ना हो तो क्या टेडलाफिल के साथ डिपॉक्सिन टैबलेट लेने की ज़रूरत है, क्या लेना सही रहेगा। तो अगर आप भी इसे डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी डिटेल मिस ना हो। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया कि क्या टेडलाफिल के 2.5 mg के डोज को डेली ले सकते हैं, कब लेना है, कैसे लेना है, तो अगर आप भी इसे अच्छे से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेडलाफिल एंड डिपॉक्सिन टैबलेट के काम की। ये टैबलेट किस काम आती है? पहले टेडलाफिल के काम की बात करते हैं। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं बता दूं, टेडलाफिल का काम आपके लिंग में ब्लड फ्लो को तेज़ करना होता है जिससे आपको हार्ड इरेक्शन मिलता है। सीधी बात समझे तो अगर आपके लिंग में हार्ड इरेक्शन नहीं आता है या आप अपने इरेक्शन को लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पाते हैं सेक्स करने के लिए, तो ये टैबलेट इस प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है जिससे आपको हार्ड इरेक्शन मिलता है और आप खुल के सेक्स का पूरा मज़ा ले पाते हैं। अब बात करते हैं डिपॉक्सिन टैबलेट के काम के बारे में। डिपॉक्सिन टैबलेट का काम शीघ्र पतन या प्री मेच्योर इजेकुलेशन को रोकना होता है। मतलब ये टैबलेट आपका जल्दी क्लाइमैक्स नहीं होने देती है, आपके संबंध बनाने के टाइम को या सेक्स टाइम को बढ़ाती है। ये टैबलेट आपके वीर को जल्दी निकलने नहीं देती है जिससे आप देर तक संबंध बनाने का मज़ा ले पाते हैं। तो ये दोनों टैबलेट एक साथ लेने से आपको हार्ड इरेक्शन के साथ साथ आपका सेक्स टाइम भी बढ़ता है। तो यहाँ सवाल आता है, अगर शीघ्र पतन की प्रॉब्लम ना हो तो क्या टेडलाफिल के साथ डिपॉक्सिन टैबलेट लेना ज़रूरी है, क्या इसे लेना सही रहेगा। तो इसका जवाब है, सभी सेक्स को देर तक इंजॉय करना चाहते हैं, अपने साथी को और खुश करना चाहते हैं और साथ ही देर तक खुद भी प्लेजर लेना चाहते हैं। बट इसमें प्रॉब्लम तब होती है जब आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम होने लगती है, आपका लिंग संभोग करने के लिए रेडी नहीं हो पाता है, लिंग में कठोरता या तनाव नहीं आ पाता है। तो टेडलाफिल टैबलेट लेने से लिंग में हार्ड इरेक्शन तो मिल जाता है, पर कुछ लोगों को लगता है कि उन्हें डिपॉक्सिन टैबलेट लेने की भी ज़रूरत है ताकि वो अपने टाइम को भी बढ़ा सके। बट ये दोनों टैबलेट लेने से पहले कुछ ज़रूरी बातों को ज़रूर जान लीजिए। अगर आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम है तो ज़रूर आपको टाइम की भी प्रॉब्लम होगी, तो इस कंडीशन में आपको सबसे पहले सिर्फ टेडलाफिल लेके देखना चाहिए। अगर आप इससे इरेक्शन के साथ साथ देर तक संबंध भी बना पाते हैं तो आपको यहाँ डिपॉक्सिन टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेडलाफिल टैबलेट भी सेक्स टाइम पर पॉजिटिव असर डालता है और आपके सेक्स टाइम को बढ़ाता है। लेकिन अगर आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम नहीं है, आपका इरेक्शन एकदम हेल्दी है, इंसर्ट करने के लिए इरेक्शन मेंटेन रहता है, सिर्फ टाइम की प्रॉब्लम है, तो आप डिपॉक्सिन टैबलेट ले सकते हैं। बट अगर आप इस कंडीशन में टेडलाफिल लेते हैं तो आपका टाइम भी बढ़ सकता है, बट डिपॉक्सिन टैबलेट लेना बेस्ट रहेगा। अगर आपको इरेक्शन के साथ साथ टाइम की भी प्रॉब्लम है तो आप टेडलाफिल के साथ डिपॉक्सिन टैबलेट ले सकते हैं। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको सिर्फ टेडलाफिल लेना है या सिर्फ डिपॉक्सिन लेना है या फिर दोनों ही टैबलेट लेना है। तो अब बात करते हैं एडवाइस की। एडवाइस यही है कि आप टैबलेट लेने के साथ साथ नेचुरल तरीके से भी अपने परफॉर्मेंस को हाई कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को जल्दी क्योर कर सकते हैं या अपने परफॉर्मेंस को और हाई कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज, मेडिटेशन, हेल्दी डाइट से अपने प्रॉब्लम को जल्दी ठीक कर सकते हैं। डेली उबले अंडे लेने की कोशिश कीजिए या ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन वाले फूड लीजिए। इससे इरेक्शन के साथ साथ सेक्स टाइम भी सही रहता है। नेचुरल तरीके से ठीक करने की कोशिश कीजिए। अगर आप खुद ले रहे हैं तो श्योर रहिए कि आपको पहले से कोई बीमारी ना हो, कोई दवा ना चल रही हो, आपको सिर्फ इसी चीज़ की प्रॉब्लम हो तो आप इसे ले सकते हैं, पर डॉक्टर की सलाह पर ही लेना बेस्ट होता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने का। और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट करें ताकि हमारे आने वाले सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं उसके आंसर जरूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।